हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं जुबिन वर्गिस और आप देख रहे हैं मोटरस्पीड इंडिया। सो आज मैं बेसिकली व्लॉग करने वाला हूँ द ऑल न्यू बीवाईडी सील के ऊपर। सो या इट्स अ ऑल न्यू का बेसिकली, बट उससे पहले मैं आपको कीज दिखाना चाहूंगा जिसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाता है एंड हियर इज द बूट ओपनिंग बटन, और इधर से आप लिटरली कार स्टार्ट कर सकते हो। सो या और इसमें बेहतरीन फीचर ये है कि अगर आप अनलॉक बटन प्रेस करके रखते हो तो सारे विंडोज रोल डाउन हो जाते हैं लाइक दिस, यस, एंड लॉक बटन दबाओगे तो सारे विंडोज़ रोल अप हो जाते हैं। इट्स अ ग्रेट फीचर, इन द समर बहुत ही हैंडी होने वाली है। और फ्रंट देखा जाए तो बहुत ही सही डिज़ाइन है, एक्चुअली बहुत ही स्पोर्टी लगती है। BYD का ब्रांडिंग इधर किया गया हुआ है। सो BYD का फुल फॉर्म ये है, बिल्ड योर ड्रीम्स, विच इज़ अ ग्रेट टैग लाइन आई वुड लाइक टू से। सो फ्रंट एक्चुअली में बहुत ही खूबसूरत लगती है। जो डिज़ाइन है हेडलैम्प्स के, फुल LED हेडलैम्प्स आपको मिल जाते हैं। दीज आर द DRLs राइट ओवर हियर, एंड उसके नीचे आपको DRL देखने के लिए मिल पाएंगे। एंड फ्रंट में आपको सेंसर्स देखने को मिल सकते हैं, फ्रंट सेंसर्स एंड कैमरा राइट ओवर हियर, प्लेसमेंट इधर दे दिया गया है। सो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 360 डिग्री पार्किंग कैमरा। फ्रंट में आपको ग्रीन नंबर प्लेट देखने मिल सकते हैं इवन द रेयर, सो बिकॉज दिस इज द EV, सो उसमें ग्रीन नंबर प्लेट्स आपको मिल जाते हैं इधर। एंड फ्रॉम द साइड इट लुक्स सो एलिगेंट, लाइक बहुत ही सही लग रही है। स्लोपिंग रूफ लाइंस आपको मिल जाते हैं इधर। टायर साइज के मामले में बात किया तो इधर आपको मिल जाएंगे, यस, 235/45 R19 inches के टायर्स मिल जाते हैं। एंड द अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, डुअल टोन कलर ट्रीटमेंट के साथ आती है, पियानो ब्लैक एंड काइंड ऑफ यस मेटालिक फिनिश, बहुत ही सही लग रही है। सो फ्रंट एंड रेयर दोनों डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं राइट ओवर हियर, एंड इट लुक्स सो सेक्सी, लाइक बहुत ही सही डिज़ाइन आपको मिल जाता है। सो वर्म्स मैं आपको अनलॉक करके दिखाता हूँ बेसिकली। यस, सो वर्म्स बिग इनफ आपको वर्म्स मिल जाते हैं विथ ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम राइट ओवर। कैमरा प्लेसमेंट देखने के लिए मिल सकते हैं, इंडिकेटर्स आपको इधर देखने मिल सकते हैं, और बहुत ही स्पोर्टी है एक्चुअल में देखा जाए तो जो वाईएम्स का डिज़ाइन है। NFC कार्ड आपको मिल जाता है जिससे आप टैप करके कार को ओपन कर सकते हो फ्रॉम अ कार्ड, या वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा वो कार्ड कैसे दिखती है। एंड पॉप आउट होते हैं जो डोर्स है वो लाइक दिस, विच फील्स वेरी फ्यूचरिस्टिक, BYD रिटर्न हियर। और इधर से आप चार्ज करोगे अपने कार को राइट ओवर हियर। एंड पीछे का जो टेल लैम्प है बहुत ही सही लगती है, इन द नाइट इट लुक्स अमेजिंग। BYD सील रिटर्न हियर, BYD का लोगो इधर दे दिया गया है। नीचे आपको कैमरा प्लेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है, सेंसर्स आपको नीचे इधर मिल पाएंगे, एंड दिस आर द पार्किंग रिवर्स पार्किंग लाइट। यस, डिफ्यूजर ट्रीटमेंट आपको मिल जाता है विच लुक्स वेरी स्पोर्टी। लेट्स ओपन द बूट राइट अवे। सो 400 लीटर्स का बूट स्पेस आपको मिल जाता है जिसको आप स्प्लिट करके फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हो, 60-40 का स्प्लिट भी आपको मिल जाते हैं इधर। थोड़ा नेट दे दिया गया तो कुछ स्टफ इधर रखना हो तो आप इधर रख सकते हो। सब वूफर आपको इधर देखने को मिल सकता है, यस, एंड बूट लैंप भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ट्विन बूट लैंप आपको मिल जाते हैं जो वाइट लाइट में है। सो इलेक्ट्रॉनिक बूट ओपनर आपको मिल जाते हैं, नाइस, दीज आर काइंड ऑफ फेक बट द कार लुक्स अमेजिंग। ऊपर का जो आपको पूरा ग्लास पैनल मिल जाता है ऊपर आपको, एंड इट लुक्स अमेजिंग। साइड में BYD डिजाइन रिटर्न हियर, लुक्स फैंटास्टिक। लेट्स एक्सप्लोर द रियर सीट्स एंड देखते क्या क्या फीचर्स एंड कितना स्पेस आपको मिल जाता है। लेट्स ओपन दिस। सो आते ही मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल सकते हैं, ये काइंड ऑफ ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश दिया गया हुआ है काइंड ऑफ, या अल्कंटारा लेदर दे दिया गया है जो बहुत ही प्रीमियम फील करवाती है। ब्लू स्टिचिंग राइट ओवर हियर विद अ ब्लैक स्टिचिंग, सो डबल स्टिचिंग दे दिया गया है, एंड ये सब सॉफ्ट टच मटेरियल यूज किया गया हुआ है। लेट्स गेट इन, लेट्स क्लोज द डोर, क्लोजर विद अ प्रॉपर थर्ड। एंड लेगरूम की बात किया जाए तो प्लेंटी अमाउंट ऑफ लेगरूम आपको मिल जाता है, एंड इसका खासियत ये है इसमें आपको सेपरेट फोन होल्डर्स का पॉकेट मिल जाता है, मैगजीन होल्डर्स मिलते हैं सेम एज द केस राइट ओवर देयर। आपको सेंटर में आर्मरेस्ट देखने को मिल सकता है विद ट्विन कप होल्डर्स, एंड जो सीट्स है वो सब परफोरेटेड है, रियर सीट्स, आगे की सीट्स वेंटिलेटेड एंड हीटेड है। यस,
सो थ्री एडजस्टेबल हेडरेस आपको मिल जाते हैं, हेडरेस में BYD का ब्रांडिंग दे दिया गया है। लेट्स क्लोज इट। आइसोफिक चाइल्ड सीट्स आपको इधर देखने को मिल सकते हैं, एंड अंडर थाई सपोर्ट का भी कोई है सच इश्यू नहीं है, बहुत बेहतरीन है। हेडरूम की बात किया तो प्लेंटी अमाउंट ऑफ हेडरूम आपको मिल जाता है इधर, एंड द फैक्ट इज इवन द मूनरूफ मिलता है, फिर भी एक्चुअल में मुझे कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा हेडरूम के रिलेटेड। या साइड में आपको लैम्प्स मिल जाते हैं जो टच सेंसिटिव है, टच से ओपन होते हैं एंड टच से क्लोज होते हैं, एंड इट्स वेरी ब्राइट सेम एज द केस रेडो हियर। हुक मिल जाता है, हैंडल मिल जाते हैं इधर, एंड सेंटर में आपको एसी वेंट्स प्रोवाइड कर दिया गया है। इधर आपको फ़ोन रखना हो तो इधर आप फ़ोन रख सकते हो। नीचे आपको चार्जिंग ऑप्शंस देखने के लिए मिल पाएंगे, एक टाइप सी एंड एक USB का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया गया है, एंड डैशबोर्ड दिखा जाए तो ऐसा कुछ देखने के लिए मिल सकता है। सो लेट्स एक्सप्लोर द डैशबोर्ड राइट अवे। सो आपको इधर रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिल पाएंगे, तो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल देखने के मिल पाएंगे। दिस आर फॉर द ORVMs, लॉक अनलॉक का बटन मिल जाते हैं, ये आपके चाइल्ड लॉक फॉर द विंडोज आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ये सारे जो बटन है वो बेसिकली पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आई हुई है, एंड नीचे के साइड दिखाया तो बूट ओपनिंग करने के लिए भी आपको बटन प्रोवाइड कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट मिल जाते हैं फॉर बोथ ड्राइवर एंड को पैसेंजर साइड्स, विच इज़ अ क्वाइट प्रीमियम, फील्स क्वाइट प्रीमियम। या और नीचे के साइड दिखाया तो आपको अगर फ्रंट खोलना हो तो आप इधर से खोल सकते हो। सो मैं फ्रंट खोल के दिखाना चाहूँगा आपको। सो फ्रंट में एक्चुअली BYD का ब्रांडिंग दिया गया है, एंड इधर भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है तो काइंड ऑफ बैग आप रख पाओगे, वॉशर फ्लूइड आप इधर से फिल कर पाओगे, एंड लेट्स क्लोज इट। सो लेट्स गेट इन, देखते कितने फीचर्स आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। लेट्स क्लोज द डोर, क्लोज विद द प्रॉपर थर्ड, एंड फ्रंट देखा जाए जो डैशबोर्ड है बहुत ही प्रीमियम फील करवा रही है, ऑल दो सब सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किए गए हैं इसके अंदर, विच फील्स एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड बहुत ही लग्जरी टच दे रही है। अल्कंटारा लेदर यूज़ किया गया, जस्ट इमेजिन अल्कंटारा लेदर जो आई थिंक सो मेनली 1 crore के कार्स में आती है, उसके नीचे आती ही नहीं है, वो लेदर इधर यूज़ किया गया है विच इज़ अमेजिंग। एंड ग्लव बॉक्स दिखाया तो डीप इनफ ग्लव बॉक्स आपको मिल जाता है। दिस इज द डैशबोर्ड, और ऐसा कुछ देखने मिल सकता है। आप अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि ये जो डैशबोर्ड है कैसा लगा आपको डिज़ाइन वाइज। यस, एंड मैं एक मैजिक ट्रिक दिखाऊँ, टेंटर हैं। सो आप रोटेट कर पाओगे अपना इन्फोटेन सिस्टम। इन्फोटेन सिस्टम के बारे में हम बाद में बात करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू रोटेट इट वंस अगेन। या सो इधर आपको ट्विन वायरलेस चार्जर आपको मिल जाते हैं। सो सेंटर में दिखाया तो आपको थोड़े से फंक्शंस फीचर्स आपको इधर देखने को मिल सकते हैं, राइट फ्रॉम द एयर कंट्रोल्स। सो इसमें आपको ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिल पाएंगे, स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको सेंटर में देखने को मिल पाएगा। यस, दिस आर फॉर द वॉल्यूम कंट्रोल्स, एंड ये आपके पार्किंग ब्रेक हो गया। हैजर्ड लैम्प का बटन आपको सेंटर में मिल जाते हैं, और मोड्स अगर चेंज करना हो तो आप इधर से मोड चेंज कर पाओगे लाइक दिस। सो इसके अंदर 3 modes आ जाते हैं, इको, स्पोर्ट एंड नॉर्मल। एंड अगर आपको बेसिकली ऑटो स्टार्ट स्टॉप ऑफ करना हो तो आप इधर से ऑफ कर सकते हो, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन ऑफ करना हो तो आप इधर से कर पाओगे। या सो ट्विन कप होल्डर्स आपको इधर मिल जाते हैं, जिसको आप आपने कुछ नोटिस किया हो तो पता नहीं, जस्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सो दिस अ फ्रेशनर, इसको मैंने स्लॉट कर दिया दबा के, अभी इसको मुझे निकालना हो तो विद टच ऑफ बटन ये अपने आप ऊपर आ जाएगी एंड मुझे अलाउ करेगी निकालने के लिए। सो इट्स अ ग्रेट फीचर आई गेस। आर्मरेस्ट के नीचे प्लेंटी ऑफ स्पेस आपको देखने को मिल पाएंगे, और ये जो आर्मरेस्ट है सब सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है, डबल स्टिचिंग इधर भी दे दिया गया है, इवन द सीट्स। और बात करते हैं इन्फोटेन सिस्टम का, तो इन्फोटेन सिस्टम में बेसिकली आपको टन्स ऑफ फीचर्स देखने को मिल सकते हैं, राइट फ्रॉम द एयर कंट्रोल्स, गाने का जो भी कंट्रोल्स है वो सब आपको इधर ही देखने को मिल पाएंगे। सो एयर कंट्रोल देख लेते हैं पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मैंने आपको बताया, या इसको ऑटोमेटिक में भी आप सेट कर सकते हो, दैट्स अनदर थिंग। एंड इसमें आपको बेसिकली स्विंग सेट कर सकते हो, इट्स लाइक आप अपना एयर फ्लो विद अ स्क्रीन कंट्रोल कर पाओगे, विच आई थिंक इज़ अ ग्रेट फीचर जो बेसिकली
Porsche Taycan में आती है. तो इधर बेसिकली फ्रंट सीट्स में आपको हीटर एयर वेंटिलेटर का ऑप्शन मिल जाते हैं, विच आई थिंक इज वेरी हैंडी फॉर द इंडियन क्लाइमेट कंडीशंस, स्पेशली वेंटिलेटेड सीट्स. यस, एयर प्योरिफिकेशन मिल जाता है, एसी सेटिंग्स आपको अलग सा देखने को मिल पाएंगे. सो या, सो इट्स वेरी फ्लूइड टू यूज, बहुत ही सही इंटरफेस है ओवरऑल. एंड अगर मुझे स्क्रीन को टिल्ट करना हो तो ज़रूरी नहीं है मैं यही बटन दबाऊँ, अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो भी काइंड ऑफ टिल्ट हो जाएगी. सो लेट्स गो टू द कार सेटिंग्स, देखते क्या क्या फीचर्स आपको उधर देखने मिल सकेंगे. सो एडास फीचर मिल जाता है, सो एडास लेवल 2 आपको इसके अंदर मिल पाएगा. और कार सेटिंग्स में लाइट्स, डिस्प्ले, 64 एम्बिएंट लाइटिंग्स मिल जाते हैं इसके अंदर, विच इज़ इनसेन. हेड्स अप डिस्प्ले आपको मिल पाएंगे, आई डोंट नो आप देख पा रहे हो कि नहीं, बट या यू गेट इट. एक्सटर्नल मिरर्स, ग्रीटिंग्स, एसी, सीट, डोर एंड विंडोज, नोटिफिकेशन, टन्स ऑफ फीचर्स यू गेट इन दिस. सो दिस 15.6 इंच का स्क्रीन आपको मिल जाता है इधर, एंड दिस इज द 10.25 इंच स्क्रीन. इसके अंदर भी बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं. यस, सो बेसिकली यू हैव द इंडिकेटर कि आप कौन से मोड में हो. बेसिकली अभी मैं इको में हूँ तो मुझे इको इंडिकेट कर रहा है. दिस इज द टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम. या रेंज, जस्ट सी द रेंज, मुझे दिखा रहा है इधर 695 किलोमीटर का रेंज मुझे इधर प्रोवाइड कर रही है कार. एंड इसको ब्राउज करना हो तो आप इधर से कर पाओगे लाइक दिस. स्पीड सेट करना हो तो मैं स्पीड सेट कर सकता हूँ. होम बटन, कितना फेरनाइट है एक्चुअली वो देख पाऊँगा इधर. एसी कंट्रोल्स मैं इधर से सेट कर सकता हूँ, इट्स अ ग्रेट थिंग. यस, सो ईच एंड एवरी फीचर यू गेट इन दिस. एंड मुझे ओवरऑल दिखा रहा है कि व्हीकल कितने अच्छे कंडीशन में. सो इधर मुझे 5-star रेटिंग मिल गया, व्हीकल इज़ इन गुड कंडीशन. सो इट्स लोडेड विद अ टन ऑफ फीचर्स. या सो ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार. आपको ऊपर IRVMs मिल जाते हैं, ऑटो डिमिंग सेम एज द केस इधर, टच सेंसिटिव लाइट्स मिल जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आपको सनरूफ नहीं मिलता, मूनरूफ मिलता है विच इज टिल्टेड. सो अंदर इतना धूप नहीं आएगा, बट फिर भी एक एयरी फीलिंग जरूर प्रोवाइड करती है. वैनिटी मिरर मिल जाता है अलॉन्ग विद द लाइट, को पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड बोथ. एंड बहुत ही प्रीमियमली इंटीग्रेट किया गया है कहीं ना कहीं. यस, एंड ये जो फिनिश है वो मुझे बेसिकली बहुत पसंद आया, काइंड ऑफ कार्बन फाइबर टच. या बहुत ही सही लग रही है. एंड इवन द वेंट्स में भी जो डिज़ाइन है, नल फिनिशिंग है, वो भी मुझे बहुत पसंद आया. सो ओवरऑल कैबिन बहुत ही सही है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता है मेरे कमेंट्स में आने वाले हैं कि ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो. सी, मैं एक ऑटोमोबाइल जर्नलिस्ट हूँ, इट्स माय ड्यूटी टू रिव्यू ईच एंड एवरी कार. उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कुछ चीज़ों को सपोर्ट कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर रहा. सो प्लीज़ नॉट, लेट्स एक्सप्लोर द कार इटसेल्फ, ये सारी बातों में नहीं आते. सो लेट्स स्टार्ट द ड्राइविंग ब्लॉग ऑफ BYD सीरीज, देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस आपको इसके अंदर देखने को मिल पाएगा. सो लेट्स पुट इन टू ड्राइव. या एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू पुट इट इन टू स्पोर्ट मोड. ऑल राइट, लेट्स सेट द सेटिंग्स ऑफ माई सीट. द पुल इज अमेजिंग. जो ऐसा भी नहीं है कि आप तुरंत जो जर्क आएगा आपके नेक में, इट्स अ वेरी लीनियर पुल. सो आई फील इट नाइस. सो लेट्स हैव अ टर्न फर्स्ट ऑफ ऑल. सो या द पिकअप इज इंस्टेंट एंड द पुल इज लीनियर. सो मैं बताना चाहूँगा, अभी एक मैंने बम्प जस्ट डिस्कवर किया है. So this car has a down clearance of 145 mm. So you have to be bit careful from the bad patches, but हाँ, आप easily conquer कर पाओगे in a lower speeds. अगर high speeds में आप गए तो definitely you can scrap the underbelly of the car. So turning radius भी बहुत बेहतरीन है. और wow, amazing. The pull is insane, just insane.
सो व्यूएबिलिटी की बात क्या है, तो सराउंडिंग में बहुत अच्छे से मैं व्यू कर पा रहा हूँ. एक्चुअली ए पिलर उतना थिक नहीं है, इट्स डिसेंट काइंड. या आई शुड बी केयरफुल अबाउट द बम्स. यस ऑलराइट. तो फर्स्ट इंप्रेशन इज आई लाइक दिस कार. सो ओवरऑल व्यूएबिलिटी के मामले में भी मेरे को जो ईज ऑफ ड्राइविंग बोल सकते हैं वो भी इसका बेहतरीन है. काइंड ऑफ स्टेयरिंग बहुत ही लाइट वेट है, सो ट्यूल करने में बहुत ही आसानी हो रही है. सो इन द सिटी इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. एंड वाओ, एंड द बेस्ट थिंग ऑफ दिस कार इज द रोड प्रेजेंस. मतलब लोगों ने इस कार को पहली बार लोग लिटरली फर्स्ट टाइम लोग देख रहे हैं. सो इट इज अ लिटरली अ हेड टर्नर फॉर मैनी पीपल्स. अगर जिनको नॉलेज नहीं है इस कार के बारे में, और वो तो डेफिनेटली आपके पीछे पड़ेंगे ही पड़ेंगे फॉर टू नो दिस कार. एंड लेट्स हैव अ टर्न. अभी मैं देखता हूँ हाईवे ड्राइविंग प्लेजर कैसा है इसका. सो लेट्स पुल इट हार्डर. वाओ. सो इन दिस BYD सील आपको मिल जाते हैं तीन वेरिएंट्स. सो द फर्स्ट इज द डायनामिक, द सेकंड वन इज द प्रीमियम विच वी आर इन, एंड द थर्ड वन इज द परफॉर्मेंस. मैं आपको सबके डिटेल्स आपको बताऊंगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूंगा कि दिस कार हैव अ कैपेबिलिटी टू हैव टू कॉन्कर 0 to 100 इन जस्ट 3.8 सेकेंड्स इन द परफॉर्मेंस वेरियंट, जो बहुत ही क्विक है. इन अंडर 60 lakh का आप ऐसा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर ही नहीं पाओगे. सो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम भी मेरे को मिल जा रहा है, जो मेरे को बहुत ही हेल्प कर रहा है इन द सिटी ट्रैफिक. आप देख ही पा रहे हो कि ट्रैफिक कितना है. सो उसके रिलेटेड मेरे को बहुत ही हेल्प मिल रहा है फ्रॉम दिस फीचर. सो दिस कार हैज़ अ ADAS लेवल 2 फीचर्स विच इज ग्रेट थिंग. एंड बाय द वे सेफ्टी के मामले में बात किया है, तो इसके अंदर आपको मिल जाते हैं 9 freaking airbags विच इज insane, जस्ट insane. सो या व्हील बेस की बात किया है, तो इसमें आपको 2.9 mm का व्हील बेस मिल जाता है, जो BMW 3 सीरीज के कॉम्पिटिशन में बोल सकते हैं वही काइंड ऑफ व्हील बेस आपको इसमें भी मिल जाता है. सो ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन इज अमेजिंग ऑफ दिस कार. सो डायनामिक में आपको बेसिकली मिल जाता है 61.5 kW का बैटरी पैकेज, जो सबसे छोटा बैटरी पैकेज है फॉर दिस कार. एंड जो रेंज क्लेम रेंज दे देती है वो अराउंड 510 km, और विच इज़ नाइस डिसेंट. सो पावर रेशियो मिल जाता है इसमें आपको डायनेमिक में बेसिकली 204 bhp मिल जाता है, एंड 300 nm ऑफ टॉर्क, जो 0 to 100 है वो काइंड ऑफ अंडर 8 seconds कर लेगी फॉर श्योर. एंड द सेकेंड वन इज दिस द प्रीमियम. सो प्रीमियम में बेसिकली आपको 82.5 kW का बैटरी पैकेज में देखने को मिल पाएगा, जो प्रोड्यूस करती है अराउंड 312 bhp ऑफ पावर एंड 360 to 370 nm ऑफ टॉर्क, विच रिजल्ट्स इन 0 to 100 इन जस्ट 5.9 seconds. बाय द वे ये फिर भी क्विक नहीं है. इसका जो परफॉर्मेंस मॉडल है उसमें आपको मिल जाता है 82.5 kW बैटरी विथ 523 bhp ऑफ पावर एंड 670 nm ऑफ टॉर्क, जो बेसिकली एक सुपर कार के कैटेगरी में आ गई है. एंड 0 to 100 इन जस्ट 3.8 seconds. जस्ट इमेजिन यू हैव अ 53 lakh का और आपको ये तरीके का परफॉर्मेंस मिल रहा है. इट वॉज जस्ट अ ड्रीम, बट BYD हैज फुलफिल्ड दैट आर ड्रीम्स. सो इन लेस अमाउंट ऑफ मनी यू कैन एक्सपीरियंस अ लॉट मोर देन दैट. सो स्टेयरिंग्स में भी बेसिकली दो मोड्स है, स्पोर्ट एंड कम्फर्ट. सो स्पोर्ट्स में एक्चुअली थोड़ा टाइटन अप हो जाता है स्टेयरिंग व्हील, एंड इन द कम्फर्ट द स्टेयरिंग विल बी बिट लाइट आई वुड लाइक टू से. सो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, लीनियर पुल है ऑलमोस्ट, बहुत ही बेहतरीन है व्यूएबिलिटी के मामले में भी. एंड वाओ, इट्स जस्ट अमेजिंग. एंड जो
स्पिन करती है ये कार. मैंने अभी तक फुल एक्सीलेटर दिया नहीं है बिकॉज मेरे पास ऐसा कंडीशंस नहीं है कि मैं अपना कार को फुल एक्सीलेट कर पाऊँ. बट जितना भी कर रहा हूँ मुझे एक सेटिस्फैक्शन लेवल है वो मैं आराम से कॉन्कर कर पा रहा हूँ. इट्स लिटरली अमेजिंग जो पुल ये कार प्रोड्यूस करती है. सो बाय द वे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, इसमें आपको एडास का एक और फीचर मिल जाता है, साइन बोर्ड रिकग्निशन. सो इसमें मेरे को स्पीड लिमिट वो हेडसअप डिस्प्ले में मेरे को डायरेक्टली दिखा रहा है कि इधर का स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर है. सो विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि कभी कभार साइन बोर्ड दिखते नहीं और हम ओवर स्पीड कर लेते हैं. सो या इट्स वेरी हैंडी फीचर एंड टर्निंग रेडियस भी बहुत बेहतरीन था. लेट्स पुल दिस कार हार्डर. वाओ इट्स जस्ट अमेजिंग हाउ इट पुल्स. वाओ सो दिस कार गोज 0 to 100 इन जस्ट 5.9 seconds. मैंने बहुत बार बोल दिया है बट ट्रस्ट मी इट्स अमेजिंग टू फील लाइक ए कार अंडर 60 lakhs जो ऐसा परफॉर्मेंस आपको दे पा रही है. इट्स अमेजिंग. बाय द वे दिस कार फुली कम्स फ्रॉम द सीबीयू टाइप मॉडल. सो मेड इन इंडिया नहीं है बट इवन सीबीयू थ्रू होके भी आपको अंडर 60 लैक्स में मिल जाती है. एंड ये कार कम्पीट करती है टेस्ला मॉडल 3 से विच इज अनदर ग्रेट थिंग आई वुड लाइक टू से. या सो दिस वॉज माई इंडिया प्रीव्यू ऑन द BYD सील. अच्छा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस ग्रेट डे. बाय बाय.